Yes, good evening all of you. Let us start with the numericals from this chapter. Okay, so last time हमने already theory खत्म किया था ray optics के अंदर का. तो अभी आज के lecture में हमको देखना है कि कौन से formula इस chapter के अंदर है ताकि उसको हम numericals के अंदर use कर पाए. ठीक है, so first of all let us list all the formulas from this chapter. बट इसमें एक बात है कि आई थिंक इट विल बी बेटर इफ यू कंडक्ट द न्यूमेरिकल्स पार्ट वाइज. जैसा कि क्योंकि क्या है ना कि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे टॉपिक्स है, तो हर एक के अंदर जो अलग अलग फॉर्मूले हमको मिलते हैं, जैसे कि लेंस के अंदर अलग फॉर्मूले है, मिरर के अंदर अलग फॉर्मूले है, या इवन प्रिज्म के बारे में अलग फॉर्मूले है, और इवन रिफ्लेक्शन के यार अलग फॉर्मूले है, रिफ्रैक्शन के लिए सेपरेट फॉर्मूले है. तो व्हाट विल वी डू इज वी विल जस्ट गो पार्ट वाइज. तो जैसे जैसे टॉपिक बढ़ आते जाएंगे तो वैसे वैसे हम पहले फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करके उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो एक बार रिकॉल करो जो हमने रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड व्हेन द टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट एट सम एंगल to each other and suppose that they are inclined at an angle theta with each other and suppose the image is kept anywhere here then or object is kept anywhere here then it will have the images formed due to this plane mirrors. To ye plane mirror ki wajah se jo image form honge object ke to wo alag alag images form hote hain aur wo total number of images jo hai uske liye humne ek formula banaya tha, aapko yaad hoga achhi tarah se. उसमें भी हमने केसेस बनाए थे, केसेस. तो उसमें बताया था कि केस वन क्या होता है इफ, अभी इसके लिए हमको क्या करना होता है, ये जो 360 जो है 360 को हमको n से या थीटा से डिवाइड करना होता है और उसको हमको n बोलना है. ठीक है, इफ यू फाइंड आउट दिस n देन वी हैव टू चेक वेदर दिस n इज ऑड और इवन फर्स्ट ऑफ ऑल. सो इफ सपोज इट इज ऑड, अगर समझो ये ऑड है, ये केस वन बनता है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि उस केस में दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है. द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी बाय डिफॉल्ट एन माइनस वन. ठीक है ना, कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ इमेजेस है, याद रखो ठीक से. ठीक है, करेक्शन इवन. ठीक है ना, इवन के लिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, एक ही ऑप्शन है दैट इज एन माइनस वन, कोई केस नहीं बनता है इवन के अंदर. तो अगर सपोज ये इवन है तो उस केस में हमको एक ही ऑप्शन मिलता है दैट इज एन इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन माइनस वन, नो डाउट. बट अगर ऑड है, ठीक है, वी कैन कंसिडर द केस टू व्हेन ओके इफ एन इज ऑड. ओके, तो उसमें दो केसेस बनते हैं जिसके अंदर एक केस आता है, सब केस आता है कि द इमेज इज केप्ट एट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द एंगल बाइसेक्टर. ठीक है, तो उस केस में कितने नंबर ऑफ इमेजेस हमको मिलते हैं? तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे है तो उस केस में हमको जो नंबर ऑफ इमेजेस मिलते हैं, सो दैट इज कैपिटल एन इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन माइनस वन वंस अगेन. ओके, बट इफ सपोज केस थ्री विच इज इफ एन इज ऑड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑफ एंगल बाइसेक्टर. So in that case we get this n is equal to capital N. Capital N is equal to small n. That means the total number of images will be obtained here in this case. Okay. तो ये भी हमको याद रखना है अच्छी तरह से. और इससे भी आगे जाके जब हम देखते हैं कि अगर ये इंटीजर ही नहीं है, n जो है केस फोर, वी कैन से इफ n
इज नॉट एन इंटीजर, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक एन टू बी सिंपली इक्वल टू द इंटीग्रल पार्ट ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन, ठीक है। तो ये हमको यूज करना है, तो इसको यूज करके हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे, जो कि अभी सपोज तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर, आई होप ऑल ऑफ यू हैव द टेक्स्ट बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, एंड वील जस्ट रेफर टू द टेक्स्ट बुक एंड सपोज वील सी द क्वेश्चन नंबर। ओके, तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर देखो ठीक से, वी हैव दिस सेकेंड क्वेश्चन, पेज नंबर 186, पेज नंबर 186, वी हैव सेकेंड क्वेश्चन सब क्वेश्चन फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन। ओके, यस, आई एम जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट 35 डिग्री, 36 डिग्री, 40 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थीटा इज गिवन टू बी 35 डिग्री। ओके, सो दिस इज 35 डिग्री। नाउ इन दिस केस हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म, तो वो निकालने के लिए हमको पहले एन निकालना पड़ेगा, ठीक है, जो कि एन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय थीटा हुआ करता है। तो यहाँ पे 360 डिवाइडेड बाय 35 कितना बनता है, अगर 5 से डिवाइड कर दो तो ये बनता है 5 7 एंड 2 एंड हियर इट विल बी 5 7, सो वी कैन जस्ट गेट दिस एज 10.2 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो 10.2, सो वी कैन जस्ट कंसीडर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस एंड गेट द नंबर ऑफ इमेजेस टू बी सिंपली 10। सो सिंपली द नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 10 इन दिस फर्स्ट केस, जस्ट बिकॉज द इंटीग्रल पार्ट इज गोइंग टू बी 10, नो डाउट। गो टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज 36 डिग्री। नाउ सी हियर 36 डिग्री, तो जब थीटा इक्वल टू 36 डिग्री होगा तो उस केस में एन का वैल्यू कितना होगा, ये हमने ऑलरेडी किया था शायद, चेक करो। तो 360 डिवाइडेड बाय 36 कम्स आउट टू बी 10, राइट, एंड 10 इज एन इवन नंबर, सी इट हियर, इट्स गोइंग टू बी इवन नंबर, सो वी कैन जस्ट गेट दैट द नंबर ऑफ इमेजेस दैट इज कैपिटल एन विल एक्चुअली बी इक्वल टू 10 माइनस 1 व्हिच इज एक्चुअली गोइंग टू बी 9, एंड दैट इज द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन, नो डाउट। जस्ट रीड द थर्ड क्वेश्चन, 40 डिग्री। ओके, सो 40 डिग्री अगर है थीटा का वैल्यू, तो उस केस में देखो क्या होगा, तो सबसे पहले हमको स्मॉल एन निकालना होगा जो कि 360 डिवाइडेड बाय थीटा हुआ करता है। तो 360 डिवाइडेड बाय 40 करके कितना मिल रहा है हमको, 9 मिल रहा है, करेक्ट है, 9, बट 9 इज ऑड, राइट। सो ऑड होने से दो केसेस बनते हैं, बट एनी वेयर द इमेज इज केप्ट देन वी कैन जस्ट गेट द ऑफ बाइसेक्टर अगर लिखेंगे तो वो 9 इमेजेस हमको मिल जाएंगे, सो वी कैन गेट द नंबर ऑफ इमेजेस टू बी सिंपली 9, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है कि इमेज जो है वो ऑन द एंगल बाइसेक्टर रखा है करके, ठीक है। तो अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तो फिर उस केस में हमको 9 मिलेंगे, और अगर ऑफ एंगल बाइसेक्टर रखा है, सॉरी, अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तो उस केस में हमको 9 माइनस 1 मतलब 8 मिलेंगे, 8। तो इसलिए हम यहाँ पे दोनों ऑप्शंस कर देंगे, 9 और 8, वी कैन जस्ट से 9 और 8, ठीक है ना। 9 when the object is kept off the angle bisector and 8 will be obtained when the object is kept at the angle bisector, no doubt. Then again next is 45. अभी देखो ठीक से, चौथा क्वेश्चन जो है, थीटा इज गिवन टू बी 45 डिग्री, सो दैट वी कैन जस्ट फाइंड आउट एन फर्स्ट विच इज एक्चुअली गोइंग टू बी 360 डिवाइडेड बाय थीटा विच इज गोइंग टू बी 360 डिवाइडेड बाय 45 विच कम्स आउट टू बी 8, and this 8 is nothing but a even number, तो दूसरा कोई बात ही नहीं करनी है यहाँ पे। यहाँ पे even number जब होता है तो number of images is 100% n minus 1, that means number of images in this case will be 8 minus 1, that is 7, that's all. So these are the four questions. If you want to write it down, so just take it down fast or just make a screenshot of this so that we can go to the next question immediately. And no doubt if you have some difficulty
और कुछ कोई टेस्ट स्टेप नहीं समझ में आया या कोई कैलकुलेशन समझ में नहीं आया, कुछ कंफ्यूजन है तो जरूर पूछो। यस नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ। ओके, तो स्नेल्स लॉ के ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस हमको करने हैं अभी। स्नेल्स लॉ व्हिच टेल्स अस सिंपली दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्चुअली इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो इक्वल टू the v1 upon v2, where v1 and v2 are the speeds of light in the two different media. The v1 is the speed in the first medium and the v2 is the speed in the second medium, and this is the refractive index of 2 with respect to 1, we can say. Okay, और तीसरी बात जो है refractive index का और एक formula हमारे पास है, 1 and 2 is actually going to be lambda 1 upon lambda 2, correct है? और एक formula हमारे पास मिलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, जो कि रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। रिमेंबर ये भी हमने ऑलरेडी देखा था, तो रियल डेप्थ इज डिनोटेड बाय एच एंड अपेरेंट डेप्थ कैन बी डिनोटेड बाय एच डैश। ओके, सो एच अपॉन एच डैश, और जस्ट वी कैन राइट इट एज रियल एंड अपेरेंट। ओके, तो रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। And along with all these things, we can also have the simple formula, that is distance traveled by the light. Okay, distance traveled by light is always equal to speed of light multiplied by time. वो तो तुमको पता ही होना होना चाहिए। बिल्कुल, distance is equal to speed into time. ये तो basic formula है, इसमें कोई याद रखने जैसी कोई बात है ही नहीं। You should know it always. Okay, तो in this way, if suppose the ray of light travels in the medium 1 and suppose it enters into the medium 2. Okay, so in this case the distance traveled in the medium 1 can be denoted by d1 suppose, which will be equal to speed of light in the medium 1, which is v1 into time t. And if suppose we see the distance traveled in the another medium, which is going to be d2 here, then that will actually depend on the speed of light in the second medium, which is going to be v2 here, into time t as it is. So in this way we can just use this formula, that is distance equal to speed into time in this case. Remember, तो ठीक है, ये स्नेल्स लॉ एंड ये सब फॉर्मूले जो है वो स्नेल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। इनके ऊपर कुछ सम सम अभी करके देखेंगे फटाफट। चलो ठीक है, सो लेट अस सी द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जो न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है, तो उसमें थर्ड वाला जो क्वेश्चन तुम्हारा है, तो उसमें से सबसे पहला वाला कुछ क्वेश्चन जो है वो पढ़ो। देखो ठीक से, इट टेल्स अस सिंपली दैट अ मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स वाटर। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिखता हूं यहाँ पे ताकि आपको समझने में आसानी हो। रे मोनोक्रोमेटिक रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द वॉटर हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3 वॉटर सरफेस इन अ सिलिंड्रिकल वेसल एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 53 डिग्री। एट एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 53 डिग्री, मतलब आई इज गिवन टू बी 53 डिग्री। ओके, द डेप्थ ऑफ द वॉटर इज गिवन टू बी 36 सेंटीमीटर। ओके, सो डेप्थ ऑफ वॉटर वेसल इज गिवन टू बी 36 सेंटीमीटर। यस, एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द वॉटर सरफेस हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द बॉटम ऑफ द वेसल। सो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच बॉटम। ओके, तो मतलब सरफेस के बॉटम पे जाने के लिए इस रे ऑफ लाइट को कितना टाइम लगेगा, यह हमको ढूंढ के निकालना है। ठीक है, अब देखो ठीक से, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज अ रे ऑफ लाइट व्हिच स्ट्राइक्स द वाटर हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलरेडी गिवन टू बी 4/3 एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 53 डिग्री।
and the depth of the water vessel is given to be 36 centimeter. We want to find out how long will it take to reach the bottom. Okay, so consider this vessel. This is suppose the vessel, and suppose the ray of light just incidents on the surface of this water. तो ये वाटर सरफेस है, ये सपोज नॉर्मल है, तो अभी इस नॉर्मल के ऊपर वाटर जो रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट होने जा रहा है, वो भी 53 एंगल पे. अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमको पता है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे. सो वी कैन जस्ट शो द इंसिडेंट रे टू बी लाइक दिस. ओके, दिस इज द इंसिडेंट रे विच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद द नॉर्मल. ओके, नाउ इट विल जस्ट गेट रिफ्रैक्टेड एंड इट विल जस्ट ट्रेवल इन टू वॉटर and will bend towards the normal and just strike the bottom level. And this distance here is actually given to be 36 centimeter. Correct? Hai? And we want to find out how much time this ray of light will require to pass from this point to this point. That means we want to find out the time. Ab dekho, time ke liye kya formula hum bana sakte hai? Dekho, ek se. Dusre medium ke andar jo time humko milta hai, it can be written to be the distance d divided by the velocity. ये लिख सकते हैं आराम से, टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, नो डाउट. यस, ओके, ये हमको यूज करना है यहां पे. लेकिन अभी इसमें देखो कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है रे ऑफ लाइट ने आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्लास वॉटर सरफेस, हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन ट्रेवल्ड बाय द लाइट. तो ये डिस्टेंस डी हमको ये निकालना है. उसके लिए हमको यहाँ पे देखो ठीक से, ये डिस्टेंस निकालना होगा और इस डिस्टेंस को एक्चुअली हमको डिवाइड करना होगा वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी भी निकालनी है, तब जाके हमको टाइम मिलने वाला है. ठीक है, लेट अस ट्राई दिस. अब देखो इसमें ये एंगल अगर 53 है तो ये एंगल कितना होगा वो निकाल सकते हैं आराम से. वी कैन फाइंड इट आउट बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ. ठीक है ना, बिकॉज वी हैव द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलरेडी गिवन टू बी 4/3. करेक्ट है, विच इज मस्ट बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज गिवन टू बी 53 हियर. राइट, सो दिस इज 53 एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज टू बी फाउंड आउट. यस, तो अभी इसमें एक बात याद रखो ठीक से कि 53 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमको समझ के लेनी है कि 53 एंड 37 दीज आर द स्पेशल एंगल्स. डू यू नो इफ देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड सपोज दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज हैविंग द साइड्स लाइक 4, 3 and 5. ये तुमको पता है, दिस इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट. राइट, so if some right triangle is having the sides like 5 4 and 3 then the angle opposite to this 4 centimeter side will always be 53 degree. Okay, it's just can be verified. Okay, no doubt. And the angle opposite to this 3 centimeter side is always going to be 37 degree, remember. And obviously 5 centimeter side ke samne wala jo angle hai wo to 90 degree rehne wala hi hai. And these two also are complementary. Just we can see, just they add up to the 90 degree here. And that's why we can just see that they are complementary to each other. So 37 and 53, these are the special angles, which happen to be the angles of a triangle whose sides are 3, 4 and 5. Ye bilkul dimag mein fit karke rakho. Ye sirf isi mein nahi, balki kai baar aage chalke bhi tumko kaam mein aayega. Zarur. तो अभी इस केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि साइन ऑफ 53 डिग्री कितना होगा बताओ मेरे को. साइन ऑफ 53 डिग्री विल बी एक्चुअली 4/5. दैट्स इट, सो वी कैन जस्ट राइट इट एज 4/5 एंड जस्ट यूज इट हियर एंड गेट इट एज 4/3 इज इक्वल टू 4/5 डिवाइडेड बाय साइन आर एंड देन वी कैन जस्ट बी एबल टू कैंसिल आउट दिस 4 फ्रॉम दिस साइड बोथ ऑफ दिस साइड्स एंड इफ यू जस्ट टेक दिस sin r in this side then we can just get this as sin r upon 3 which is equal to 1/5 left as it is in the right side. Now we can just transfer this 3 also in that side so that we can just get this as 3. So is taraf gaya to sin r is going to be equal to 3/5. Correct hai, ye humko mil gaya. But if we just check here then this, what is sin of 37 degree, can you tell me?
साइन 37 डिग्री कितना होता है? तो साइन 37 डिग्री विल बी ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस इट विल बी 3/5, करेक्ट है? जिससे हमको मिलेगा कि साइन आर विल एक्चुअली बी 3/5 एंड साइन 37 इज 3/5, दैट मींस वी कैन से दैट, बट सिंस साइन ऑफ 37 डिग्री इज गोइंग टू बी 3/5, वी कैन से दैट आर इज गोइंग टू बी 37 डिग्री, करेक्ट है? तो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमको 37 डिग्री मिल गया, दैट मींस हाउ मच दिस एंगल इज गोइंग टू बी 37 डिग्री, ओके? एंड इफ दिस एंगल इज 37, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली दिस एंगल बिकम्स 53, राइट? एंड सिंस दिस इज अ 53, 37 एंड 90 डिग्री एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स दिस राइट एंगल ट्रायंगल आर इज हैविंग द साइड्स विच आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस 3, 3, 4 एंड 5, ओके? तो इसका मतलब अभी इसमें देखो ठीक से कि ये आर तो हमको चलो मिल गया, साइन आर भी मिल गया, आर भी मिल गया, ओके? नाउ इफ वी कंसिडर दिस ट्रायंगल हियर, देन इन दिस ट्रायंगल वी ऑलरेडी नो दिस साइड, ये जो वर्टिकल साइड है वो हमको पता है ऑलरेडी 36 सेंटीमीटर है, बराबर है? ये 36 सेंटीमीटर है, तो कैंट वी फाइंड आउट दिस डी फ्रॉम दिस ट्रायंगल एंड यूजिंग दिस कॉस ऑफ 37 डिग्री देन, ओके? कॉस 37, ये ट्रायंगल के अंदर अगर हम यूज करेंगे कॉस 37 फ्रॉम द ट्रायंगल, इसको हम नाम दे देंगे कुछ चाहिए तो, इसको नाम दे देंगे ए, इसको चाहिए तो बी और इसको सी, ठीक है? तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी वी कैन जस्ट से दैट कॉस 37, ओके? कॉस 37 डिग्री विच इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू, देखो ठीक से, कॉस 37 कितना बनेगा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मींस इट विल बी 37, सॉरी एडजेसेंट कितना है? 36 है ना, तो ये बन गया 36, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय दिस हाइपोटेनियस विच इज टू बी फाउंड आउट डी, ओके? बट ऑलरेडी कॉस 37, इफ यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट फ्रॉम दिस ट्रायंगल देन कॉस 37 हैपेंस टू बी 4/5, करेक्ट है? एंड हेंस वी कैन जस्ट गेट दैट, बट कॉस 37 इज ऑलरेडी नोन टू बी इक्वल टू 4/5, सो इफ वी जस्ट यूज इट हियर देन एंड इफ वी इक्वेट द बोथ ऑफ दिस वैल्यूज ऑफ कॉस 37 देन वी कैन बी एबल टू गेट दैट 4/5 व्हिच इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस 37 must be equal to 36 by d, which is another value of cos 37. And if we just cancel out this 4 and 36 here, leaving behind 9, so d can be obtained to be simply equal to 4 9s are, that is 45 centimeter. Okay, so d has been obtained to be 45 centimeter, which was our first aim. Just remember this as equation number 1. But at the same time, we must also be able to find out the speed of light in the second medium, okay? That can again be found out using this refractive index. Refractive index का फॉर्मूला क्या है? Refractive index of the water is always equal to V1 upon V2, correct है? The speed of light in the rarer medium upon speed of light in water will be the refractive index of water, okay? So here it is going to be 4/3, which must be equal to V1. अभी V1 कितना है? अच्छा नहीं तो हाँ, V1 कितना है हमको पता है ऑलरेडी, V1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर और वैक्यूम विच इज गिवन बाय 3 इनटू 10 रेस टू 8 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय दिस V2 विच इज टू बी फाउंड आउट, सो V2 एंड ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा V2 का वैल्यू इस तरह से, तो 9 इनटू 10 रेस टू 8 डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट है? सॉरी 4, एंड इफ यू जस्ट सॉल्व दिस फर्दर then we can just be able to get that of 9/4, how much it comes out to be, नहीं तो रखो ऐसे ही, just keep it as it is, 9/4 into 10 raised to 8 meter per second, this is the speed of light in water, okay? Now if we want to find out the time taken by the light to reach from this point A to the point B here, then we can be able to use this formula, time is equal to the distance traveled by the light upon the velocity of the light, okay? So time t will actually be equal to the distance. How much is this distance here? It is given by d, and that is the divided by the speed of light in this second medium, that is v2. So that we can just get this v, which is d, which is obtained here to be 45 centimeter, and that is to be divided by this. Okay, but it is in 40 centimeter. Don't forget again. That 45 has to be converted into meter by multiplying it by 10 raised to minus 2,
and then it has to be divided by this v2, which is the speed of light in the water, that is 9/4 × 10⁸. Okay, so this is 9/4 × 10⁸. Yes, and then just try to simplify this further. तो ये 9/4 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे हमको मिलेगा 45 × 4/9, ये उसका रेसिप्रोकल हो गया, और यहाँ पे 10⁻²⁻²× 10⁻²⁸. ओके, एंड देन वी कैन बी एबल टू फाइंड इट एज 9 × 1 = 9, 5 = सो 45, सो 5 × 4 = इट्स बिकम्स 20, सो दिस बिकम्स 20 × 10⁻²⁻·10, and that is going to be in seconds, right? But we can write this 20 × 10⁻²⁻ seconds to be simply 2 × 10⁻²⁻⁹ seconds, so that we can write it as 2 nanoseconds. Okay, 2 nanoseconds. 10⁻⁹ matlab kya? Nano, remember. So this is 2 nanoseconds will actually be the final answer. Okay, just have the word if you have some doubt or any confusion, and just take the screenshot of this fast. I think the answer given in the textbook must be wrong, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने 2 microseconds दिया है, which is not correct. Actually, अगर suppose हम यहाँ पे 45, ये जो 36 centimeter दिया है ना, वो centimeter के बदले अगर meter में दे रखा होता, अगर वो meter में होता, तो फिर यहाँ पे हमको 10⁻²⁺ include करने की ज़रूरत नहीं थी. और उस केस में फिर यहाँ पे ये 10⁻²⁺ नहीं आता, और यहाँ पे simply 10⁻⁸ बन जाता, तो 20 × 10⁻²⁸. क्या बनता है देखो, 20 × 10⁻²⁸ सेकेंड्स, विच कैन बी रिटन एज 2 × 10⁻⁷ सेकेंड्स, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.2 × 10⁻⁶ सेकेंड्स, एंड दैट वुड बी इन द माइक्रोसेकेंड्स, 0.2 microseconds. ये आंसर कभी मिलना था? जब यहाँ पे ये 36 centimeter नहीं बल्कि मीटर अगर दिया रहता, तो फिर उसका आंसर 0.2 microseconds आना था, ठीक है, जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है. तो जस्ट रिमेम्बर दैट इन टेक्स्ट बुक इट इज बाय मिस्टेक इट्स गिवन टू बी 36 centimeter एक्चुअली, बट इट शुड बी 36 meter ओनली, एंड इन दैट केस ओनली वी कैन गेट द टाइम टी टू बी सिंपली इक्वल टू 0.2 microseconds, विच इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक. ओके, अदरवाइज जो सेंटीमीटर में अगर उन्होंने दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमारा ये 2 nanoseconds ये आंसर करेक्ट है, ठीक है ना. चलो ठीक है, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes. Okay. So Snell's law के ऊपर और एक क्वेश्चन हमको करना है इसमें से.
कंसिडर दिस क्वेश्चन नंबर 5, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूमेरिकल. अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 इज केप्ट ऑन एन इंक स्पॉट. ओके, देखो ठीक से. अ ग्लास स्लैब of thickness 2.5 centimeter and refractive index 5/3 is kept on an ink spot. एक ink spot के ऊपर रखा हुआ है वो glass slab, ठीक है. A transparent beaker of very thin bottom containing water of refractive index 4/3, okay. बीकर कंटेनिंग वॉटर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अप टू 8 सेंटीमीटर. ओके, अप टू 8 सेंटीमीटर इज केप्ट ऑन ग्लास ब्लॉक. यस, एंड नाउ कैलकुलेट अपेरेंट डेप्थ of ink spot when seen from the outside air. Okay, so we want to calculate the apparent depth. Yes, so let us try to draw the diagram for this. So simply yahan pe humko ye use karna hai ki apparent depth, real depth upon apparent depth is always equal to the refractive index. Okay, but here see the first line, glass slab of refractive index 5/3 and of thickness 2.5 centimeter is kept on an ink spot. Suppose this is the ink spot here. Okay, तो उसके ऊपर हमने एक glass slab रखा हुआ है इस तरह से. ये समझो glass slab है, ठीक है. ये ink spot है यहाँ पे, ठीक है. और ये glass slab का जो thickness है वो कितना दिया हुआ है, देखो ठीक से, 2.5 सेंटीमीटर. दिस डिस्टेंस इज एक्चुअली गिवन टू बी 2.5 सेंटीमीटर, नो डाउट. ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स बीकर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 कंटेनिंग वाटर अप टू 4/8 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब यहाँ पे एक बीकर हमने उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है. सपोज दिस इज अ बीकर विच कंटेन्स वाटर अप टू 8 सेंटीमीटर हाइट. तो ये 8 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर रखा हुआ है. यस, एंड देन वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम दिस पॉइंट हियर फ्रॉम एयर एंड वी वांट टू फाइंड आउट द अपेरेंट डेप्थ ऑफ दिस इंक स्पॉट फ्रॉम दिस एंड पॉइंट हियर. यस, सो हाउ विल यू फाइंड इट आउट. यस, सी हियर, सबसे पहले हमको ये क्या करना है कि वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर अपेरेंट डेप्थ. ओके, अगर हम इस डिस्टेंस को अगर d1 मान लेते हैं, d1, ओके, और इस डिस्टेंस को अगर d2 मान लेते हैं, ठीक है, और एट द सेम टाइम इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसको भी हम यहाँ पे मान लेते हैं. n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड सपोज दैट n2 इज गोइंग टू बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वॉटर. यस, नाउ इफ यू जस्ट सी, अगर हमने यहां से अगर देखा रहता तो हमको अपेरेंट डेप्थ कितना मिलता था, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है. इफ यू कंसीडर द अपेरेंट डेप्थ हियर देन वी कैन जस्ट गेट दैट कोई भी चीज का अपेरेंट डेप्थ जो होता है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है तो वो हमेशा रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ के बराबर हुआ करता है. बराबर है, ये हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है. अभी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि n इज एक्चुअली इक्वल टू रियल डेप्थ. रियल डेप्थ को अगर हम d बोल देंगे और अपेरेंट डेप्थ को अगर d' बोल देते हैं, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर वन रिफ्रैक्शन. ओके, मतलब एक ही सपोज मीडियम अगर है तो इस ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट डेप्थ है तो वो हम निकाल सकते हैं आराम से. d' जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देगा एक्चुअली, ठीक है, जबकि वो है एक्चुअली यहाँ पे, राइट, यहाँ पे है फिर भी ये यहाँ पे दिखाई देगा. तो उसका जो ये डिस्टेंस है अपेरेंट डेप्थ तो d' है और ये जो डिस्टेंस है तो वो d है जिसको हम एक्चुअल डेप्थ बोल सकते हैं, ठीक है. तो इन दोनों के बीच में ये वाला रिलेशनशिप हमेशा हुआ करता है जिसको हम यूज करके ये बोल सकते हैं कि d'
कैन एक्चुअली बी रिटन टू बी सिंपली इक्वल टू डी अपॉन एन, बोल सकते हैं ऐसा। देखो डी डैश कैन बी ऑब्टेन टू बी डिवाइडिंग दिस डी बाय एन, इसको ही सिर्फ रिअरेंज किया, ठीक है। अभी हम देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोल देंगे शिफ्ट, शिफ्ट ऑफ द इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस से शिफ्ट हो जाता है, तो वो शिफ्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी कैन से दैट शिफ्ट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द एक्चुअल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ, दैट मीन्स डी माइनस डी डैश, दिस विल एक्चुअली बी द शिफ्ट, ओके। एंड दिस शिफ्ट विल एक्चुअली बी इक्वल टू डी माइनस डी डैश इज गोइंग टू बी डी अपॉन एन, राइट। सो वी कैन जस्ट रिप्लेस दिस डी अपॉन एन हियर एंड वी कैन जस्ट बी एबल टू से दैट द शिफ्ट, इफ यू टेक दिस डी कॉमन देन वी कैन बी एबल टू से दैट दिस डी इंटू वन माइनस वन अपॉन एन, दिस विल एक्चुअली बी द शिफ्ट इन द इमेज वेन द इमेज इज सीन फ्रॉम आउटसाइड, ओके। तो अभी लेकिन इसमें क्या है, देखो ठीक से कि यह जो शिफ्ट वाला जो फॉर्मूला है वो हमको यहाँ पे दो बार अप्लाई करना होगा, दो बार। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ये क्या करेगा, ये ग्लास स्लैब इस ऑब्जेक्ट को पहले शिफ्ट करेगा इधर, राइट। और एट द सेम टाइम ये जो ग्लास स्लैब वाटर का जो स्लैब है या वाटर का जो मीडियम है वो भी उस इमेज को कुछ और डिस्टेंस से शिफ्ट करेगा, और इसलिए हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि द नेट शिफ्ट हियर, नेट शिफ्ट विल बी इक्वल टू द शिफ्ट ड्यू टू द ग्लास प्लस द शिफ्ट ड्यू टू वाटर, दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। तो नेट शिफ्ट विल बी एक्चुअली द शिफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्लास प्लस द शिफ्ट इन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू वॉटर, करेक्ट है। एंड एज वी ऑलरेडी नो दैट दिस इंडिविजुअल शिफ्ट कैन बी फाउंड आउट बाई यूजिंग दिस फॉर्मूला सिंपली। तो यहाँ पे देखो किस तरह से अब यहाँ पे ग्लास के द्वारा कितना वो इमेज शिफ्ट होगा वो कैसे हमको मिलेगा, उसके लिए उसका थिकनेस चाहिए d1 जो कि है यहाँ पे, और उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी चाहिए n1 है यहाँ पे। तो अगर हम ये यहाँ पे डाल देंगे d के बदले d1 और n के बदले n1, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास मिल जाएगा, ओके। सो वी कैन जस्ट गेट दिस एज शिफ्ट इन ड्यू टू द ग्लास विल बी सिंपली इक्वल टू d1 into bracket 1 minus 1 upon n1, ओके। प्लस अभी यहाँ पे शिफ्ट ड्यू टू वाटर हाउ मच इट विल बी, तो शिफ्ट ड्यू टू वाटर विल एक्चुअली बी इक्वल टू d2 into 1 minus d upon sorry 1 upon n2, करेक्ट है। तो ये बन गया शिफ्ट ड्यू टू वाटर, बट दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली द नेट शिफ्ट, राइट। नेट शिफ्ट हमको मिलने वाला है वो, और नेट शिफ्ट को अगर टोटल जो रियल डेप्थ है उसमें से अगर माइनस कर देंगे तब जाके हमको अपेरेंट डेप्थ मिलेगा, वो याद रखो ठीक से। इसमें से जो हमको आंसर मिलेगा वही फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। इसमें से हमको सिर्फ शिफ्ट मिलेगा, नेट शिफ्ट मिलेगा, और वो नेट शिफ्ट जो है वो हमको d1 plus d2 में से सप्रा करना होगा तब जाके हमको एक्चुअली ये मिलेगा, अपेरेंट डेप्थ मिलेगा, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द नेट शिफ्ट फर्स्ट, हाउ मच इट विल बी d1, हाउ मच इज d1 हियर, इट्स गोइंग टू बी 2.5 सेंटीमीटर, सो दिस इज 2.5। अच्छा इसमें एक दूसरा मेथड भी है वो भी मैं बताऊंगा बाद में, बट जस्ट कैलकुलेट इट बाय दिस मेथड फर्स्ट। सो 2.5 इनटू 1 माइनस 1 अपॉन एन वन, व्हाट इज एन वन, द ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 5 बाय 3 मिल रहा है यहाँ पे, तो ये 5 बाय 3 यहाँ पे डाल दिया। प्लस डी टू मतलब थिकनेस ऑफ वाटर स्लैब विच इज ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस दिस 1 अपॉन N2, which is the refractive index of water, which is 4 by 3 kept here. Okay? तो ये हमने डाल दिया। अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे आगे तो हमको मिलेगा 2.5 into 1 minus 3 by 5, correct है? Plus, here it is going to be 8 multiplied with 1 minus reciprocal of this, which is 3 by 4. Okay? And then we can be able to get this 2.5 into, what is this? 5 minus 3 upon 5, मतलब 2 by 5. Right, plus here it is 8 into 4 minus 3 upon 4, matlab 1 by 4, correct? So here it is going to be 5 by 5, matlab cancel, it is 1. And here it is 4 ones are, 4 twos are, it's 2. That means it is 3. So abhi dekho, ye 3 jo hai, wo 3 centimeter nahi aayega ho. Kyunki humne already unit jo hai, wo centimeter hi rakha tha, n ka, sorry, d ka. D1 and d2 both were in centimeter.
So this shift is also going to be in centimeter only. But if you want to find out the apparent depth now, तो apparent depth कितना होगा फिर अभी? क्योंकि देखो net shift अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब यहां से वो 3 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा और इमेज जो है, तो यहां से ऊपर से अगर हम देखेंगे तो कितना नीचे दिखेगा, दैट इज गोइंग टू बी द apparent depth. And that apparent depth will be actually equal to d1 plus d2 minus shift. Remember, okay? ये हमको याद रखना है. Apparent depth is actually going to be d1 plus d2. That is the net real depth minus shift. This is actually going to be the apparent depth. And if we try to find it out, d1 कितना है? 2.5 plus d2 कितना है? 8. एंड माइनस शिफ्ट कितना है? 3. तो अगर ये वर्कआउट करेंगे तो ये बनेगा 10.5 माइनस 3 विच कम्स आउट टू बी एक्चुअली इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी द डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ. एंड वन मोर थिंग, अभी यहाँ पे अगर हम एक चीज करेंगे तो जो नेट शिफ्ट है, इस नेट शिफ्ट को अगर हम डायरेक्ट d1 प्लस d2 माइनस अपेरेंट डेप्थ से अगर रिप्लेस कर देंगे, अपेरेंट डेप्थ को क्या बोलना है, डी डैश बोल देते हैं, चलो नेट अपेरेंट डेप्थ जो कि डी डैश है, तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा d1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n1 प्लस d2 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन n2 एंड हेंस वी कैन जस्ट गेट दिस d1 प्लस d2 माइनस डी डैश विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसको अगर ओपन कर दो तो मिलेगा d1 माइनस d1 upon n1 plus d2 minus d2 upon n2, so that is d1 d2 gets cancelled from both sides and we are left with minus d dash is equal to minus d1 upon n1 minus d2 upon n2, so that we can just get this minus sign cancelled from both sides, so that we can get this apparent depth which is equal to d1 upon n1 plus d2 upon n2, that's it. तो ये भी अगर फॉर्मूला हमने यूज किया तभी भी हमको सेम आंसर मिल जाएगा. देखो चेक करो एक बार ठीक से, d1 upon n1 plus d2 upon n2, which is very easy actually. It is a short method. You can just remember this formula. The net apparent depth is always equal to d1 upon n1 plus d2 upon n2. Remember. So here we can just put these values. d1 कितना यहाँ पे 2.5, right? Should be divided by n1, which is 5/3 here. Okay, plus this d2 is going to be 8 and n2 is 4/3. So if we just simplify this further, then we can just be able to get that the apparent depth is equal to 2.5. Yeh 3 upar chala jayega. So it will be 3/5 into 2.5 plus here it will be 3/4 into 8. So that the apparent depth finally becomes actually equal to 3 times of 2.5, मतलब 7.5 upon 5 as it is plus 4 ones are 4 twos are, so it's going to be 6. So now if we just simplify by taking LCM here, then we can just get this 5 as it is and it will be 7.5 plus 6 fives are 30 and then we can get this 37.5 upon 5, which actually comes out to be 5 ones are 5 sevens are, okay, 5 sevens are 35 and 2 bacha 25 ho gaya, 5 fives are 7.5. okay, so 7.5 is still obtained here by this another method also, but it requires this formula to be learned here. Okay, so ye wala jo formula hai ye tumko yaad rakhna hai theek se. Jab 2 ya 2 se zyada bhi medium agar rahenge to bhi hum ye formula use kar sakte hain. तो याद रखो ठीक से, नेट अपेरेंट डेप्थ इन ऑलवेज इन एनी केस इज ऑलवेज इक्वल टू, क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है कि अपेरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ होता है कि नहीं. तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो एक मीडियम की वजह से जो अपेरेंट डेप्थ बनता है वो डी अपॉन एन मिलता है. तो फिर कितने भी मीडियम हो, चार पांच मीडियम भी अगर रहेंगे तो भी सबके वजह से जो अपेरेंट डेप्थ हमको मिलता है, नेट अपेरेंट डेप्थ, दैट विल बी एक्चुअली d1 अपॉन n1 प्लस d2 अपॉन n2 प्लस d3 अपॉन n3
एंड सो ऑन अप टू जितने भी मीडियम है उतना हमको ये हर एक का जो रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ ये हमको ऐड करते जाना है, बस खत्म. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अपेरेंट डेप्थ एंड द शिफ्ट. लेकिन इसमें हमको याद रखो एक शिफ्ट का भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पता चल गया है कि नहीं, दैट इज ऑल्सो वर्थ इंपॉर्टेंट. क्योंकि शिफ्ट कितना होता है ये भी अगर कभी पूछा जाता है तो उसके लिए हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला भी है याद रखने से शिफ्ट निकालने के लिए. डायरेक्ट इट विल बी डी इंटू वन माइनस एन, दैट्स इट. ओके, अगर कुछ पूछना है तो जरूर पूछो एंड जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फास्ट. ओके ठीक है, सो सो फार वी हैव डन विद द न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ. ठीक है, स्नेल्स लॉ के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हमने अभी तक अभी किए हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कल के लेक्चर में हम जो लेंस के साथ रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स जो है वो हम कवर करेंगे. ठीक है, लेंस के साथ, तो बी प्रिपेयर्ड एंड जस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द फॉर्मूले फ्रॉम लेंस. लेंस के अंदर जो भी हमने किया था वो थोड़ा सा रिवाइज करके रखो. ठीक है, उसमें कहाँ पे ऑब्जेक्ट होने से कहाँ पे इमेज मिलता है, उसका मैग्निफिकेशन और उसका जो अलग अलग फॉर्मूले है द मिरर लेंस इक्वेशन एंड लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो वो सब चीज़ें याद करके रखो ठीक से, सो दैट वी कैन कंडक्ट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दैट टुमारो. ओके.